अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी है। वाराणसी से मिशन 2022 का आगाज करते हुए प्रियंका गांधी ने लखीमपुर हिंसा को लेकर मोदी और योगी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। इससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ और माँ दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हिंसा वाले दिन 3 अक्टूबर को प्रियंका गांधी लखनऊ आ गई थी। तब से सरकार को हर मुद्दे पर घेर रही है। प्रियंका की सक्रियता और दृढ़ता देखकर उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व खो चुकी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी उत्साहित हैं। प्रियंका ने वाराणसी के जगतपुर में किसान न्याय रैली की। प्रियंका ने अपनी बातों की शुरुआत माँ दुर्गा का आवाहन कर किया। कहा कि इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में अपनी गाड़ी के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर नहीं आ जा सकते। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता हम लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने वहां जाने की कोशिश की तो रास्ते में हर तरफ पुलिस की घेराबंदी थी, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए कोई नहीं निकला। अपराधी को निमंत्रण भेजा कि आकर हमसे बात करिए। क्या किसी देश में ऐसा देखा है कि किसी अपराधी को पुलिस निमंत्रण दे? इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है